वीरबाड़ी का भाई कुछ ज्यादा तारीफ कर दी क्या मैंने तेरी मम्मी की? एकदम से घबरा सी गई। अरे हनुमान अंकल, मेरी बेब्स ना ऐसे ही है, क्यूट सी। सरसा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस लेटर में दस्तखत किसने नहीं किए। सोचना क्या है नेक बख्तों, तू इतना बेअक्ली कब से हो गया नास पीटे, जो तुझे ये सोचना पड़ रहा है कि किसने दस्तखत किए और किसने नहीं किए। और तुझे क्या लगता है नईम भी उस कमबख्त खतरे की बातों में आ जाएगी? अल्लाह की मार गिरे उस नसूड़े पे, उसकी हर उल्टी सीधी हरकत पर नजर है मेरी, सब जानती हूं मैं वो क्या चाहता है, कैसी दादागिरी मचाई हुई है। उसके इरादे नेक नहीं है हनुमान सिंह, और तू है कि थानेदार होके भी उसको टाइट नहीं कर सकता, लानत है तुझ पे। अरे वो तो ठीक है नईम भी, आओ बैठो तो सही। अरे बैठने नहीं आई हूँ, बताने आई हूँ। अरे कल तो मेरे पीछे ही पड़ गया था दस्तखत कराने के लिए, इन बिचारी जनानियों के बारे में जो मुंह में आए बके जा रहा था, मैंने भी साफ साफ कह दिया। अरे तुम कौन होते हो हिसाब करने वाले? मेरा अल्लाह सब देख रहा है, सबके गुनाहों का हिसाब रख रहा है, वही सबका इंसाफ करेगा, तेरी मेरी क्या औकात। जनानियों सांस ले लो, अब कोई नहीं निकालता तुम्हें इस मोहल्ले से। हाँ हट परे, बैठने दे मुझे, बोलते बोलते सांस उखड़ गई है मेरी। और तू नेक वक्त ये खड़ा खड़ा खीसे क्या निपोर रहा है, जा जाके पानी लेके आ मेरे लिए। हाँ जी 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 जी। और तू लड़की, कल उन बदमाशों ने तेरे स्कूटर को खराब कर दिया और तुझे पता ही नहीं चला, क्यों री? तूने सिखाया नहीं अपनी लौंडिया को कि अपनी चीजों की हिफाजत खुद करनी चाहिए, समझी? और हाँ, कल से अपना स्कूटर इधर अंदर खड़ा करना। अरे सुन रही है या नहीं? वो भागो फिरी, तेरी ये लौंडिया बहरी तो नहीं है? बहरी नहीं हूँ, सब सुनाई देता है मुझे। और ये जो अभी आपने बोला ना मेरी बेब्स को, भागो फिरी जो भी बोला, नाम बबीता है इनका। हनुमान सिंह, इस लड़की की जबान में तो हड्डी नहीं है, अरे इसीलिए तो मुसीबतें बुलाती रहती है। और इसको देखो, इसकी माँ को अल्लाह मियाँ की गाय है, आग और पानी का साथ है, धुआं तो उठ रही है। अरे करम जले, पानी तो दे। हाँ जी जी। इसने हनुमान सिंह शराब पीता है ना, हैं? पकड़ इसे, जा मेरे लिए लोटे में पानी लेके आ। अरे मेरा ईमान तुड़वाएगा क्या? अल्लाह मारे, 40-40 साल के घोड़े हो गए हैं मगर अच्छे बुरे की अकल अभी तक नहीं आई। और तू हनुमान सिंह इधर आ, अरे इधर आ। तेरे तो कान मरोड़ देने हैं मैंने। नहीं दी, नहीं दी। अरे क्या सुन रही हूं मैं, तू शराब पीने लगा है, हाँ बिगड़ गया है तू, ला दे। वो क्या है कि नहीं भी, वो जनानी ना थी ना घर में, तू कोई समझाने वाला नहीं था, अब गंदी गंदी हैबिट्स लग गई अपने आप, तो फिर ऐसे ही हो गया। और देखो आप बचपन के अंदर भी कान मरोड़ती थी, अब भी ऐसी मरोड़ती हो, लेकिन आप इतने दिन से आई नहीं थी, तो फिर थोड़ा सा क्या मैं ट्रैक बिगड़ गया था। किसके लिए आती भागो चले, और क्या करती आके, एक जनानी नहीं है जो दिल हल्का कर लूं, जब से इमरती गई है तेरा घर तो कब्रिस्तान बन गया है, जहां इमरती की चूड़ियों की खनखनाहट गूंजती थी वहां सन्नाटा पसरा है, जहां उसकी रोटियों की सौंधी सौंधी खुशबू आती थी वहां ये शराब की बू आती है। मगर जब से ये दोनों जनानियां आई है ना, तेरे घर में फिर से वही खुशबू आने लगी है, अपनी छत पे खड़े खड़े जायका लेती रहती हो। परसों हलवा बनाया था ना तूने, हाँ? अब तू ही बता हनुमान, इस खुशबू को इस मोहल्ले से कैसे जाने दे सकती हूं मैं, हैं? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं, ये तो सच में गूंगी है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ होगा जो इस बिचारी को अपना घर बार छोड़कर यहां आना पड़ा। Mm-hmm.
बबीता तो घर छोड़ के जा चुकी है, तो इस रिश्ते को और खींचने का क्या फायदा? मैं उसे डिवोर्स दे रहा हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई तलाक का नाम लेने की अपने माँ बाप के सामने? अपनी बहू को ना तलाक तो मैं तुझे देने नहीं दूंगी। बीजी, मैं उसे डिवोर्स दे के रहूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। रोइए मत शमी जी, शायद इस उम्र में ये दिन देखना बाकी रह गया था। कलेजे पे पत्थर रख लो और मान लो कि बबीता अब तेरी और मेरी बहू नहीं रह पाएगी। अल्लाह की मार गिरे उस अभागे पर जिसने तुझ जैसी का साथ छोड़ा। सही कहते हैं लोग कि मर्द की नीयत और औरत की किस्मत फिरने में देर नहीं लगती। औरत की किस्मत फिरने में देर नहीं लगती, यही कह रहे ना आप दादी अम्मा? तो मेरी बेब्स की भी किस्मत बदलेगी बहुत जल्द। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब इसकी किस्मत पापा जी नहीं, ये खुद लिखेगी। अब पापा जी नहीं डिसाइड करेंगे ये खुश रहेगी या नहीं, ये पापा जी की मर्जी से बंध के नहीं रहेगी। उसे बांध कर मत रखिए शमी जी, मुक्त कर दीजिए। क्या बोल रहे हो आप? ठीक कह रहा हूं शमी जी, आपने और हमारे प्यार ने उसे बांध रखा है, उसे खुलकर जीने भी नहीं दे रहा। इस बेईमानी रिश्ते से आजाद नहीं होने दे रहा शमी जी उसे। मैं माता रानी को क्या मुंह दिखाऊंगी मरने के बाद कि सोने जैसी बहू के साथ आपने ये किया? सच तो ये है शमी जी, माता रानी को क्या, हम तो एक दूसरे को भी मुंह दिखाने काबिल नहीं रह गए। आंखें शर्म से झुक चुकी है, दिल भारी हो गया है, मेरा तो मन ही नहीं करता अब यहां रहने के लिए। कभी कभी सोचता हूं कि जाके बबीता और मिन्नी के पास पड़ा रहूं, फिर लगता है वो बिचारियां तो खुद इतनी परेशानियां उठा रही हैं, इतनी मुश्किल से तो उन्हें छत मिली है अपने सर के ऊपर, मैं क्यों जाकर उन पर बोझ बनूं? लेकिन एक बात तो तय है शमी जी, इस घर में अब इस बूढ़े का कोई गुजारा नहीं। क्या कह रहे हो आप? बिल्कुल सही कह रहा हूं शमी जी, आपको मां का मोह है अपने बच्चों के साथ, गृहस्थान का मोह है इस घर से, आपसे ये सब नहीं छोड़ा जाएगा। मैं आपको साथ चलने के लिए नहीं कह रहा, इतने सालों का साथ है। हो सके तो कहा सुना माफ कर, कल ही मैं हरिद्वार के लिए निकल जाऊंगा, पढ़ा रहूंगा किसी आश्रम में वहां। एक काम करो शमी जी, बहू के साथ साथ अपने पति को भी मुक्ति दे दो। इतनी सुंदर माता रानी की मूर्ति आप कहां से लेने? एमबी सुबह सवेरे दरगाह गई थी, आज वीरवार है ना, इसी दिन जाती हूँ हर हफ्ते। रास्ते में दुकान पड़ती थी, तेरा ख्याल आया तो मैं ले आई। पर आप पैसे भी नहीं ले रही हैं। ले, भगवान की मूर्ति का भी कोई मोल होता है? तू भी ना हमेशा गवारों वाली बातें करती है। हाँ, वैसे अल्लाह झूठ ना बुलाए, ये सब मैंने सिर्फ इस वजह से किया है कि मैं तेरे हाथ का मुफ्त का हलवा खाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने सुना, फटाफट स्कूटी स्टार्ट कर और वो पास वाले मोहल्ले से रवा और घी लेके आ जा। एक सेकेंड यार, मैंने कहीं नहीं जाना, मैं तेरे को बोला था ना मुझे प्रीत से मिलना है यार।
मान जाना मिनी, मेरी प्यारी गुड़िया। ऐसे मोना बनाया कर, इमोशनल ब्लैकमेलर। तुझे पता है मैं मना नहीं कर पाती, जा रही हूँ मैं। अरे इस मोहल्ले के दुकानें सारी जल गई क्या? सारे दुकानदार मर गए जो दूसरे मोहल्ले से जाके लाना पड़ेगा? क्योंकि दादी अम्मा इस मोहल्ले के लोग हमें कोई चीज देते ही नहीं है, मना कर देते हैं यार साफ साफ। इडियट्स। मैं भी, आप तो जानती है ना, इस मोहल्ले के लोग हमारे यहाँ पे रहना पसंद नहीं है, फिर हम भी झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। और वैसे भी कोई टेंशन की बात नहीं है, मिनी भी झट से लेकर आ जाएगी, है ना मिनी? चल मैं तुझे पैसे देती हूँ। रुक, कोई जरूरत नहीं है मिनी को कहीं भेजने की। और मिनी तू जा, तेरी सहेलियां तेरा इंतजार कर रही है ना, जा तू, सामान आ जाएगा। सच्ची? पक्का, तू जा जहां जाना है, सामान भी आ जाएगा और हलवा भी बन जाएगा। अरे मैं हूं ना। परफेक्ट, सी यू बेब्स। अच्छा सुन मेरी बात, टाइम पे आना, दोस्तों के साथ तू ना टाइम बिल्कुल भूल जाती है। अरे बेब्स, मैं यूं गई और यूं आई। सी यू दादी, आई लव यू। हां प्रीत, कहां है तू यार, मुझे दिखाई नहीं दे रही, सामने तो देख। हाय मिनी। तू बॉबी को भी साथ ले आए? मैं क्या करती यार, मैंने कितनी छुपाने की कोशिश की थी, पता नहीं इन्हें कैसे पता चल गया, फिर लग लिए पीछे। तुझसे मिलने का मौका नहीं छोड़ सकता ना कोई भी, इसलिए मैं भी साथ में आ गया। तब भी मैं सोचू तू ना चाहने कैसे कॉल क्यों किया कि नहीं नहीं मिनी आज ही मिलना, अब भी क्या भी मिलना है। तुझे बॉबी ने कहा ना सब करने के लिए, तो उन पे शक कर रही है क्या मिनी? मैं तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिस कर रही थी यार, कोई अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिस नहीं कर सकता क्या? लास्ट टाइम कब मिले थे याद भी है? कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भरते टाइम, उस बात को भी एक महीना हो गया मिनी, पर शायद तू मुझे इतना मिस नहीं कर रही थी। कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ, चलो मीजी। अरे यार तू तो गुस्सा हो गई यार। ऑफ कोर्स मैंने भी मिस किया अपनी बेस्ट फ्रेंड को यार, सच्ची मैं बहुत मिस किया तुझे। तू रो रही है प्रीत? रोए मेरी जुत्ती। तू रो रही है? अरे देख देख देख, आंसू निकल रहा है, इमोशनल हो गई तो सेंडी हो गई है ना। चल चल अपना रोना बंद कर। सीरियसली यार कितना टाइम हो गया ना हमें मिले, पहले तुझे याद है हम कैसे रोज मिलते थे, घंटों बातें करते थे और दिन भर बाहर ही घूमते रहते थे। अरे वो तुझे याद है जब हम लास्ट टाइम वो मूवी देखने गए थे, क्या हुआ था? हाँ, जसबीर ने कैसा रोना मचाया था। हाँ हाँ, हाय मेरे झुमके, हाय मेरे झुमके, हॉल में लोग पिक्चर छोड़ के जसबीर के झुमके ढूंढने लग गए थे, तुझे याद है क्या हुआ? हाँ जी हाँ जी। तू क्या खुश हो रहा है, तू था उस टाइम हमारे साथ? यार ऐसे मत बोल यार मिनी, मैं तो हमेशा तेरे साथ होता हूँ, आंखों की नजर से नहीं मन की नजर से तो देख एक बार, तू हर पल अपने पीछे खड़ा पाई। Shut up Bobby, don't give me creeps यार, तू ना तू idiot है, इतना बड़ा वाला idiot। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या हाँ जी हाँ जी, मैं तुझे idiot बोल रही हूँ, idiot। Idiot, मजनू, रांझा, ये तो दुनिया वालों ने नाम दिए हैं मिनी जी, दुनिया तो रांझे को भी दीवाना बोलती थी और मजनू को। इसलिए मैं बोल रही थी इसे साथ में मत लेकर आ, इतना पकाता है यार तेरा वीर। छोड़ यार उनको, चलना यार पहले की तरह मस्ती करते हैं, कहीं चलते हैं। बोल कहाँ जाना है? वही अपने पिज़्ज़ा कॉर्नर पे। ठीक है, तो तू बॉबी की बाइक पे बैठेगी या मेरी स्कूटी पे? ऑफ कोर्स मिनी तेरी स्कूटी पे। परफेक्ट, ठीक है। मेरी स्कूटी? मेरी स्कूटी कहाँ गई यार? मिनी मेरे पीछे बैठ। चुप रह यार बॉबी। तेरी पाजी, आपने मेरी स्कूटी देखी? मैं ना इधर पार्क कर दी, ब्लू कलर की जो है वो, लड़कों ने जो खराब कर दी थी पेंट से। नहीं हाँ गई यार, यार आसमान खा गया, जमीन निकल गई। तूने यही खड़ी की? हाँ यार यही खड़ी की थी, पता नहीं कहाँ गई। दीदी दीदी आप स्कूटी ढूंढ रहे हो? हाँ आपने देखी कहीं पर? हाँ। वाह हेलो, ये हो क्या रहा है मेरी स्कूटी के साथ? इसकी कोई एक्सप्लेनेशन मिल सकती है मुझे? वो मोहल्ले के बंदों ने तेरी स्कूटी खराब कर दी थी ना, इसलिए मैं फिर से पेंट कर रहा था। ओए तेरी हिम्मत कैसे मिनी की स्कूटी को हाथ लगाने की? भाई आराम से,
यूं ही है ना तेरा फ्रेंड जोन। हाँ फ्रेंड हूँ। बॉबी वो जो भी हो तू तो वही है ना जो मुझे उस दिन इसी आइसक्रीम पार्लर में मिला था। हाँ देख फिर मिल गए। सारा कसूर इस आइसक्रीम पार्लर का सनोरिटा। ज्यादा फिल्मी डायलॉग ना मार ठीक है। मिनी छोड़ दे मुझे मैं ही ज्यादा हीरो बन रहा। छोड़ दे मुझे छोड़ दे। मैंने पकड़ा कहा तुझे? मैं इसका कीमा बना दूंगा आज बता रहा हूं मैं। अभी कंट्रोल कर यार। सॉरी यार मिनी थोड़ा इमोशनल हो गया। वैसे उस दिन तो बड़ी रईस बाप की औलाद बता रहा था खुद को, आज पेंटर बन गया। बंदी पटाने में क्या क्या करना पड़ता है। और ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है तू? भाई तू ना आराम से रह। तेरा ना यहाँ पे कोई स्टेक भी नहीं है ब्रो। और तेरा है? हो भी सकता है। ट्राई तो कर रहा हूँ। देख कैसे पटाने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं पटने की, ये अलग टाइप की लड़की है। वो तो है, पूरे पटियाला में एक ही पीस है। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। ये है ना वो गधे, वो इडियट्स, छिछोरे जिन्होंने तेरी स्कूटी खराब की थी, जिन्होंने तुझे छेड़ा भी था। अब एक मैजिक दे। Abra, Kadabra. बहुत मारूंगा दोनों को। Abra, Kadabra. माफ कर दे मैं बहन, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे और अब आगे से कभी नहीं होगी। तू चाहे तो तू हमारे राखी भी बांध सकती है और अब हम कभी बंदियों को नहीं छेड़ेंगे यार। हट जा। चलो गुड गुड गुड। तेरी स्कूटी भी ठीक हो गई, इन्होंने तुझसे माफी भी मांगी और तू थोड़ी थोड़ी पिघल भी रही है। देख किनाए नहीं करियो। बॉबी दूर रहिए थोड़ा। ओ हेलो। एक दिन पटाके दिखाऊंगा तुझे, देख लियो। पर हाँ शाम को मिलते हैं लोरी पे। हाँ कर ले कोशिश कर ले, ये नहीं पटने वाली तुझसे। नहीं पटेगी ना? कभी नहीं। हाँ कभी नहीं। आपने भी बेकार में मिनी को जाने दिया। अब वो हलवे के लिए सामान लिया थी तो अच्छा होता ना, बेकार में आप ही को तकलीफ उठानी पड़ेगी, सारा सामान लाना पड़ेगा। तकलीफ मुझे नहीं होगी, तकलीफ इन मोहल्ले के दुकानदारों को होगी। नास पीटे बहुत ही घमंडी हो गए हैं, सामान बेचने से मना करते हैं। मैं बताती हूँ उन्हें, सामान भी इसी मोहल्ले से आएगा और लेकर भी तू ही आएगी बबीता। लेकिन अभी मैं कैसे? अरे चल ना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।